गाइस मैं अयोध्या वाली बस में बैठ चुका हूँ यहाँ पे, तो एक बार सारे बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। भाई पहुँचते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठी पूरी ट्रेन। जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं अभी दिल्ली में पहुँच चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ भाई हमारे जो 26 जनवरी सेरेमनी है उसको देखने के लिए। बाकी यहाँ से भाई GoPro वगैरह अलाउड नहीं है, तो मोबाइल वगैरह ले जा सकते हैं तो, लेकिन GoPro उन्होंने मना कर दिया है, तो इसलिए मैं पहले इन GoPro वगैरह को इधर जमा करके आता हूँ कहीं पे अच्छी जगह पे, और फिर उसके बाद एंट्री लेते हैं। यहाँ से एंट्री है भाई अंदर जाने की, और आगे पुलिस वाले वगैरह लगे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई GoPro वगैरह तो मत ले जाओ अंदर, तो मैं इसको जमा करके आता हूँ पहले, और फिर उसके बाद भाई मैं आपको अंदर का व्यूज़ दिखाऊंगा। तो बने रहे ब्लॉग्स के साथ, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग्स होने वाला है। और आज हमारा गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप अपने क्षेत्र में 26 जनवरी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो मैं भी भाई दिल्ली में पहुंचा हूं स्पेशली भाई घूमने के लिए भी, दिखाने के लिए भी आप लोगों को। तो अभी GoPro तो मना कर दिया है, लेकिन मैं GoPro को और बैग्स को कहीं पर रख के आता हूँ, फिर आपको मिलाता हूँ गाइस, अंदर दिखाता हूँ क्या क्या होता है। तो गाइस मेरा आज भाई पास वगैरह सब कुछ 26 जनवरी के लिए पूरा अंदर बना था, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, मैं ये जो मेरा GoPro कैमरा है इसको भाई बिल्कुल अलाउड नहीं करे अंदर, तो मैं दो बार रिक्वेस्ट करने के लिए उनके पास चले गया हूँ, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं भाई आप लोग GoPro को एकदम बाहर रख के आइए तभी हम लोग अंदर आने देंगे, जाने देखो तो ठीक है, नहीं तो गाइस थोड़ा सा दिल्ली दिखाऊँगा आप लोगों को, फिर उसके बाद कल परसों अयोध्या के लिए निकल जाऊँगा। बाकी ऐसे हो रहा भाई, कई चीज़ें होती हैं YouTube ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए, भाई कई चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों को देखना पड़ता है, कहीं पे कैमरा अलाउड नहीं होता है, कभी फाइल डिलीट हो जाती है, कभी हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से हम लोगों को भाई एंट्री भी नहीं मिल पाती कभी कभी। तो मैं यही अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता, भाई ब्लॉगिंग करना बहुत आसान नहीं है, कुछ लोगों को आसान लगता है एक्चुअली में। बाकी टिकट टुकट तो मेरे बैग में पड़ा था, लेकिन वहाँ से हम लोगों को एंट्री नहीं मिली। अब हम लोग जा रहे हैं भाई इंडिया गेट से, हो सकता है वहाँ से हम लोगों को अभी थोड़ा सा परेड देखने को मिल जाए, अगर देखने को मिलती है तो आप लोगों को पक्का दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस हम लोग भाई चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं भाई अंदर घुसने की, और चारों तरफ से पुलिस वाले ने बस के माध्यम से बैरिकेड लगा दिए हैं, क्योंकि भाई सुरक्षा कारणों से अंदर घुसने बिल्कुल नहीं दे रहे, और सामने लोग देखो भाई बहुत सारे लोग अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन भाई यहाँ से हम लोगों को क्या घुसना देंगे यार, हमने कोशिश की यहाँ से जाने की इससे पहले, लेकिन घुसने दे ही नहीं रहे। भीड़ हल्ला करते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त ऐसी है भाई यहाँ पे सीन, मुझे लगा भाई आसानी से घुस जाऊँगा लेकिन मुझे भारी पड़ा। बाकी आप लोग भी जब आओ तो याद रखना भाई कैमराज कुमराज ये चीज़ें लेके मत आना जब भी आओगे यहाँ पे देखने के लिए। बाकी मैं तो भाई कैमरे के कारण फंस गया हूँ, बाकी टिकट लेके जरूर आना सारे लोग, और टिकट तो मेरा एडवांस में बुक हो गया था कल से ही। बाकी गाइस दिन में उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट घूमा, और अभी मैं दिल्ली में हूँ, और ये दिल्ली का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से भाई अयोध्या जाने की, अभी ट्रेन का पूछता हूँ ट्रेन कितने बजे जाती है, ट्रेन जाती तो मैं अभी रात को ही निकल जाऊँगा अगर ट्रेन अगर रात को मिल जाएगी तो, नहीं तो बस से निकलूँगा, लेकिन लखनऊ तब भी जाऊँगा आज के दिन, क्योंकि भाई यहाँ पे रहूँगा तो खर्चा और भी बढ़ेगा, और वहाँ डायरेक्ट चले जाऊँगा, चलो जो भी खर्चा आएगा उधर ही आएगा। तो ढूंढते हैं ट्रेन, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्या सीन है। और गाइस यहाँ से टिकट लेने का है, देखिए गाइस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ होती है और कितनी ज़्यादा लाइन लगाते हैं। और इस लाइन पे मैं लगा हूँ भाई। तो गाइस मैं अयोध्या वाली इस समय भाई अयोध्या वाली ट्रेन में बैठ चुका हूँ, और बड़ी मुश्किल से भाई मुझे यहाँ से टिकट मिला है और सीट भी मिली है। बाकी ये मेरी कंफर्म टिकट है आप लोग देख सकते हैं, और मुझे आज जर्नल में ही जाना पड़ रहा है। बाकी ये नज़ारा भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, और कल सुबह आप लोगों को दिखाऊँगा मैं सीधे अयोध्या स्टेशन, और वहीं से आप लोगों को मिलूँगा। तो चलिए फिर थोड़ा सो जाओ आप भी। गाइस मैं अभी ट्रेन में हूँ, और यहाँ पे देखिए भाई खचाखच हमारी ट्रेन भरी हुई है, और मैं भी इधर बैठा हूँ, और इधर बाथरूम में रहता भाई इधर साइड को बाथरूम वगैरह, और इधर लोगों को बैठेगा। बाकी ये देखिए ये बाथरूम के हाल हैं, और इसके बाद भाई बीच से दूसरा डिब्बा लगता है, और यहाँ पर भाई हम लोग बैठे हैं।
यहाँ पे भाई कोहरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इधर साइड को। ये देखिए 9 बजे के आसपास हम लोग अयोध्या पहुँचेंगे, फिर फ्रेश व्रेश होकर करके फिर आपको पहला व्यूज दिखाएंगे कैसा अयोध्या से जो है। तो गाइस हम लोग अभी अयोध्या नगरी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई पहुँचते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठी पूरी ट्रेन। और ये देखिए लोग अब उतरने की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी उतरता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ यहाँ पे और स्टेशन पे, बाकी हालत ख़राब हो गई थोड़ा सा चलते चलते। ये है भाई अयोध्या स्टेशन, आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। तो ये देखिए गाइस इस ट्रेन में हम लोग पहुँचे थे और सारे लोग यहाँ पे उतरने लग गए हैं, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ फिर होटल ढूंढता हूँ इधर। बाकी कोहरा लगा यार, पीछे दिख नहीं रहा कुछ भी, और जहाँ भी जाओ इधर भाई जय श्री राम के नारे ही लग रहे हैं। ये है भाई अयोध्या नगरी का रेलवे स्टेशन, बाकी दिखाता हूँ 2-3 दिन में यहीं पर आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ यहाँ से। तो गाइस मैं अयोध्या वाली बस में बैठ चुका हूँ यहाँ पे, तो एक बार सारे बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। मजा आ गया भाई यहाँ पे आकर के, और अयोध्या की बस सारी फुल भरी हुई है, बहुत मजा आ रहा है भैया। आप भी अयोध्या आओगे तो आज तो सारे लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, और शायद हम लोग भाई महिला सीट पे बैठ चुके हैं, हमको खड़ा उठना पड़ेगा, विकलांग सीट लग रही मुझे। कोई नहीं कोई नहीं, तो गाइस हमको बस ने भाई लास्ट गेट पे उतार दिया है, तो यहाँ से भाई श्री रामचंद्र जी मंदिर का गेट यहाँ से शुरू है, यहाँ से भाई हम लोगों को पैदल जाना है कम से कम 2 किलोमीटर। बीच में हम लोगों को अलग अलग जगहों मिलेगी जहाँ पे नहाने का है, कुछ जगहों पे घूमना है। तो यहाँ से मैं अभी होटल देखता हूँ सबसे पहले, और फिर आपको कल दिखाऊंगा भाई पूरा, कल परसों 2-3 दिन में यहीं पे अयोध्या में हूँ, आपको अयोध्या की पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाऊंगा 3-4 दिन कैसा कैसा होता है, कैसा सीन है यहाँ पे। तो बने रहिए, आपको 2-3 दिन लगातार अयोध्या के ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी मैं होटल चलता हूँ और फिर मिलता हूँ गाइस आपको बाद में। तो गाइस इस समय मैं अयोध्या में पहुंच चुका हूं और मैंने भाई यहां पे एक होटल ले लिया है, बाकी होटल मुझे पड़ा यहां पे समथिंग 1000-1200 के आसपास, और इस समय भाई होटल मिलना बहुत ही टफ वर्क है, आज इसी होटल में मुझे रहना है। बाकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, कल आपको भाई श्री राम मंदिर के दर्शन कराऊँगा, कल और परसों 2 दिन यहीं पर हूँ अयोध्या में, तो 2-3 दिन ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते गाइस ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।